एक बात बताइए, कौगो लड़की से कनेक्शन चलता है? वो अभी तो ढेर बाटे ढेर बाटे लगभग कौगो सात गुली हुई अब देखिए हाइट में इतने कम है और सात गो से कनेक्शन चला रहे हैं, कहाँ कहाँ रखिएगा जी? कहाँ? देखिए अब कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसे भी मेरे को लगभग 12 साल हो गया। 12 साल हो चुका है। अच्छा, आपका अभी फिलहाल एज कितना हुआ है? ऐसे तो एज यही 22-23 होगा। 22-23 साल का हो चुके हैं। लेकिन देखने में बिल्कुल आप 6-7 साल का बच्चा लगता है। थोड़ा इनको सामने से दिखाइएगा, बिल्कुल देखिए कितना हम यदि खड़ा होते हैं तो देखिए खड़ा होने के बाद कितना लगता है, हमारे बिल्कुल यहाँ सीने के बराबर पे हैं। और ये 22-23 साल के हो चुके हैं और इन्होंने बताया कि 12-13 साल से लगभग कॉमेडी या भोजपुरी स्टार के जो भी सिंगर हैं उनके साथ ये काम कर चुके हैं। भोजपुरी जैसे कि सिंगर में पवन सिंह खेसारी को लोग ज़्यादा जानते हैं, उनके साथ आप कितना बार काम कर चुके हैं? अभी देखिए उनके साथ काम करने का तो मौका नहीं मिला है, लेकिन मिल चुके हैं, बहुत बार मिल चुके हैं। अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा। मतलब साथ मिले हुए हैं, बातचीत हुआ है, लेकिन काम नहीं किए हैं? काम नहीं, हर चीज़ बात विचार अपना इत के जैसा बात विचार होता है, बस काम का जो रहा तो वो तो डायरेक्टर साहब लोग से मिलना पड़ेगा। तो सब चीज़ हो गया है बात विचार, है ना? आगे जो प्रोजेक्ट आएगा उसमें हमको आप लोग देखेंगे। अच्छा, भोजपुरी हीरोइन में किसके किसके साथ आप काम किए हैं? बहुत लोग के साथ, जैसे कि फेमस हीरोइन कोई? ये अपना क्या नाम है, काजल राघवानी, सुबी शर्मा, इन सब के साथ मैं काम कर चुका हूँ रील में। अच्छा, रील में काम किया है? हाँ। वो सब के साथ गए तो आपको देखकर क्या आप कह रहे थे वो लोग? जैसे कि देखिए यहाँ हमारे बड़े भैया के गोस्वामी हैं, रत्नेश जी हैं, तो सब लोग जाते हैं तो उनके जैसा हम भी हैं, लेकिन हम थोड़ा सोडल हैं, अच्छे हैं, तो सब लोग बोलते आप इतने दिन कहाँ थे, बताइए इतना अच्छा बॉडी लेके आप कहाँ थे, आपको ना काम मिलना चाहिए सबसे ज़्यादा। हम बोले कि बस भैया लोग आ गए हैं, भैया लोग सीट छोड़ेंगे तब तो हम पकड़ेंगे। देखिए काफ़ी कॉमेडी करते हैं और हंसाते रहते हैं, और देखिए हमसे बात भी कर रहे थे, काफ़ी हंस के बोल रहे हैं, यानी काफ़ी हंसमुख व्यक्ति हैं, काफ़ी लोगों को हंसाते रहते हैं। गांव में कितने लोगों को हंसा देते हैं? गांव में तो जहाँ जानी तो सब हंस ले, बैठ जाए तो जो बोलिए उनके हंसे लगे लो। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि मार्केट वगैरह आप जाते हैं तो लोग आपको देखकर कैसा, मतलब देखने के बाद कैसा रिएक्शन रहता है आपको देखने के बाद? देखते रह जाला कि बाप रे बाप, कहाँ से इतना छोटा इंसान आ गए। हालांकि हम अपने इलाके में ना 3 आदमी हैं, है ना, तो 3 आदमी में इस लाइन में मैं ही हूँ, तो सबसे ज़्यादा मेरे को लोग देखते हैं। अच्छा, ये बताइए आपका शादी वादी हुआ है कि नहीं? ना, अभी शादी नहीं केवल भैया, अभी देखे कहीं 2 आदमी बार बार बाद हम बनी। अच्छा, अभी आपका शादी नहीं हुआ है? ना, अभी आपसे 2 लोग बड़े हैं? हाँ, 2 आदमी बड़े बानी लोग। हाँ, वहाँ लोग के हाइट कैसन बा? एक आदमी के हमरे खानी बात जी सबसे बड़ बानी, और 2 नंबर बानी जे आप रहुआ जैसन बानी। अच्छा, एक बात बताइए, कौगो लड़की से कनेक्शन चलता है? वो अभी तो ढेर बाटे ढेर बाटे लगभग कौगो 7 गुली हुई। हाँ, 7 गो। हाँ, अब देखिए हाइट में इतने कम है और 7 गो से कनेक्शन चला रहे हैं, कहाँ कहाँ रखिएगा जी? कहाँ? देखिए अब कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसे भी आजकल टिक कौन रहा है, पैसे भी बिक रहा है सब, तो टिकेगा कौन? हमको पता है कि कौनो नहीं टिकेगा। हाँ, तो भाई वो बात कर रहे हैं, बात करो क्या जाता है, ऐसे भी टाइम तो मिलता नहीं है बात करने के लिए। हाँ, बस रात में मिल जाएगा तो मिलेगा, नहीं तो बस अपना एडिटिंग सब देखते रहते हैं। यानी दिन भर आप अपने काम में लगे रहते हैं, है ना? दिन को वीडियो शूट करो, रात को फिर एडिट करो, फिर सुबह उठ के अपलोड करो। अब आप ही अचानक आए, कैसे में लगाते हो गया, अब आप खुद सोच सकते हैं, नहीं तो हम कहीं और रहते अभी। अच्छा, शादी को लेकर क्या ख्याल है आपका? शादी हुई, शादी बड़ लड़की से हुई। मतलब अपने से हाइट से ज़्यादा लड़की से शादी? शादी लंबी लड़की से होगा। लंबी लड़की से? हाँ। तो ये बताइए कि आप उनको गोद में उठा के लेके कहीं आइएगा जाइएगा, या फिर वही आपको उठा के लेके जाएंगी? वो हमरा के लेके जाइए, पूरा दुनिया देखी। वो नजारा एगो अद्भुत हुई। जैसे PM मोदी अभी फिर से PM बने हैं, वैसे वो नजारा एगो अलग होगा। मतलब यानी आपका कहने का मतलब है जिस दिन आपका शादी होगा आपकी पत्नी आपसे 2 गुना हाइट की रहेगी
तो वही एक चर्चा का विषय बन जाएगा। स्टेज पे कहेंगे कि गोदी में उठाओ पहले गोद में उठाओ, उसके बाद वहाँ स्टेज पे तुम ले चलो, हम नहीं चलेंगे, तुमको हम नहीं, तुम हमको ले चलो। हाँ। नजारा दुनिया देखेगा। अच्छा अभी फिलहाल में आपका कौन सा कॉमेडी आने वाला है? अभी ये ससुराल के गुलाम लियावे जा रहा बानी, जना में रोल के कॉमेडियन गोलू लाल काम करें, ठीक है। अभी जे वायरल बॉय बानी यहाँ के, जे की हाँ गोलू यादव, वहाँ के लियावे जा रहा बानी, हमें बहुत मस्त कॉमेडी बाटे, है ना। बहुत जल्दी शूटिंग चालू करे वाला बानी पटना में। अच्छा नन्ना भैया गाना भी गा लेते हैं? ना हम गाना गाना में एक्टिंग करें। अच्छा एक्टिंग की है? मतलब गाते नहीं है? ना गाना गाना से दूर रहे, मतलब गावे के नहीं है। हाँ। कि आजकल बहुत अश्लील बटे, लेकिन कॉमेडी में नंबर वन है। हाँ, कॉमेडी में फार के रखे के बटे। हाँ, लोगों को हंसा देना है। हाँ। लोग को एकदम दीवाना बना देना है। हाँ, लोगों का दिल जीत लेना है। हाँ, चाहे किसी भी तरह। हाँ, किसी भी तरह। हाँ। रोने वालों को भी हंसा देना है। हाँ, ताकि वो याद रखे की हाँ चलिए कोई तो है। देखिए हम भी आए थे तो हमारे चेहरे पर इतना खुशी नहीं था, लेकिन इनसे बात करते करते हमें भी हंसी आने लगा है। काफ़ी हंसमुख व्यक्ति हैं, और सभी को आप सभी को भी इनका कॉमेडी देखते होंगे तो देख देख कर काफ़ी हंसते होंगे, है ना? जी जी। इसी तरह अपने वीडियो के माध्यम से हंसाते रहिएगा, है ना? बस आप सबका सपोर्ट रहा तो वैसे ही हम सबको खुश रखेंगे। हाँ।